हाईली स्किल्ड लोग भी और जो यूनिवर्सिटी अच्छे ग्रेजुएट्स हैं वो मैसर किए जा सकें। तो ये तो इंटरवेंशन हैं हमारी आईटी कंपनीज के लिए। मैं भी आईटी कंपनीज का एक डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया गया हुआ था और फिर दुबई जाइटेक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा आईटी एक्सपो होता है वहाँ पे गया। वहाँ पे 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनीज हमारे साथ मौजूद थी जाइटेक्स में, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। और लगता ये है कि हमारी आईटी कंपनीज का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं वहाँ पे उनके पोटेंशियल क्लाइंट से मिला, इनको इंट्रोड्यूस करवाया, इनको कॉन्टैक्ट्स लेके दिए, इनके एमओयूज साइन करवाया, जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारी जो प्राइवेट कंपनियाँ वो ग्रो करें और इंटरनेशनल बिजनेस से ग्रो करें। तो ये इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। सऊदी विज़िट भी बहुत कामयाब थी, उससे बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले हमारी आईटी कंपनीज़ के लिए। जाइटेक्स में दुबई के अंदर दुनिया की सबसे बड़ा आईटी एक्सपो होता है, वहाँ पे 100 कंपनीज़ के साथ हम गए, बहुत सारी कंपनीज़ को बहुत सारा बिजनेस वहाँ मैसर आया, बहुत सारी इनके एमओयूज़ हुए, बहुत सारे इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तो ये भी हमें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के थ्रू तवातर से ये एक्टिविटी करती रहनी चाहिए कि हुकूमत पैसे भी इन्वेस्ट करे, अपनी कंपनीज़ को लेकर भी जाए और हर जगह पे उनके लिए फैसिलिटेट करे कि उनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उनके प्राइवेट सेक्टर से उनकी गवर्नमेंट से मिल जाए। तो ये तो हमारी जो आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं, उनके लिए काम किया गया SIFC से मिलकर। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत बड़ा फिनोमेना है फ्रीलांसर्स का, इतना बड़ा फिनोमेना है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 मिलियन 15 लाख नौजवान घरों पर बैठे इंटरनेट पे फ्रीलांसिंग करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको शायद हम तो यहाँ पे रोज़गार नहीं मुहैया कर सके, लेकिन ग्लोबली जो आईटी की स्किल्स और जो छोटे छोटे काम वो ऑनलाइन कर सकते थे अपनी एजुकेशन से, वो खुद ही करना शुरू हो गए। और कोई $10 दिन के बनाता है, कोई $20 बनाता है, कोई $30 बनाता है, कोई किसी का लेजर मेंटेन कर रहा है, कोई किसी के लोगो डिज़ाइन कर रहा है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, कोई मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस कर रहा है, कोई किसी की वेबसाइट बना रहा है, कोई किसी की मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहा है। और ये 15 लाख लोग पढ़ते हैं, काम करते हैं। 15 लाख लोगों का मतलब ये है कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन वर्कफोर्स है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान से दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन वर्कफोर्स है। अगर आप अपवर्क पे जाएं, फाइवर पे जाएं, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, टॉप टैलेंट पे जाएं, क्रॉसओवर पे जाएं, तो इस पे जो पाकिस्तान की तादाद है वो 15 लाख है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी ऑनलाइन वर्कफोर्स है। अब इन लोगों को ट्रेन भी किया गया। पंजाब में जब मैं काम किया करता था तो वहाँ पर हमने ई रोज़गार के नाम से प्रोग्राम शुरू किया, वहाँ पे लोगों को ट्रेन किया गया। वहाँ पे तकरीबन 47 ई रोज़गार सेंटर्स बनाए गए, लोगों को ट्रेन किया गया। और उसके तहत मुझे अभी बताया गया कल के तकरीबन 8.5 अरब रुपया ये नौजवान कमा चुके हैं ई रोज़गार सेंटर से। फेडरल गवर्नमेंट में भी डिजी स्किल्स के नाम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चलाया गया ट्रेनिंग का, जिसके थ्रू तकरीबन 10 लाख लोगों को ऑनलाइन ट्रेन किया गया। लेकिन जो इसमें जो पोटेंशियल है इन ऑनलाइन फ्रीलांसर्स का, वो अभी इस वक्त लिमिटेड इसलिए है कि वो नौजवान जिसने दिन में 10, 20, 30 डॉलर बनाने हैं, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो जाके जनरेटर ख़रीद सके, वो इंटरनेट ले सके, वो एक अच्छे कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर सके, वो कोई रेंट पे जगह अच्छी ले सके, या फिर 4 लोगों को साथ जोड़ के थोड़ी बड़ी कंपनी बना सके। तो उनको बेसिकली इस वक्त जो चीज़ इज़ हेल्डिंग देम बैक इज़ दी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं जहाँ पर लेट से 10 लाख 15 लाख लोग बैठ कर अपना रोज़गार अपने लिए मुहैया कर सकें, कि दिन में 10, 20, 30 डॉलर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से कमा सकें। ये लोग ट्रेंड हैं, ये लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जिसके थ्रू वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग आसानी से कर सकें। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसका नाम हमने पाकिस्तान ई रोज़गार प्रोग्राम रखा है, उसके तहत हम प्राइवेट सेक्टर को इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रहे हैं, जिसकी इंटरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी पिकअप करेगी और प्राइवेट बैंक्स लोन देंगे कि वो तमाम रियल इस्टेट, कोई कहीं पे शॉपिंग प्लाजाज बने हैं, कहीं पे ऑफिस बिल्डिंग्स बनी हैं जो कि इस वक्त अंडर यूटिलाइज्ड हैं और खाली पड़ी हैं, उनको कन्वर्ट कर लिया जाए इनटू ई रोज़गार सेंटर्स। तो हुकूमत लोन्स प्रोवाइड करेगी ताकि एज इंसेंटिव दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपनी जो रियल इस्टेट है, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको ई रोज़गार सेंटर्स में ट्रांसलेट कर लें। और इस वक्त गोल यह है कि हम 5 लाख फ्रीलांसर्स के लिए जगह काम करने की बनाएं। तो ये को वर्किंग स्पेसेस को समझ लें, तो इन को वर्किंग स्पेसेस 5 लाख लोगों की को वर्किंग स्पेसेस बनाई जाएं और उसके लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन दे, ट्रेनिंग फ्राहम करे, वहाँ पे ट्रेनर्स को फ्राहम करे, ताकि ये फ्रीलांसिंग का जो पाकिस्तान में काम एक बहुत अच्छी वॉल्यूम पर पहले ही चल रहा है, जिससे 15 लाख लोग काम करते, उसको फॉर्मलाइज कर लिया जाए। फ्रीलांसर्स को बैंक अकाउंट्स खोलने में आसानी पैदा की जाए, उनको बैठकर काम करने की
जगह फ्राहम की जाए, उनको अगर कोई ट्रेनिंग दरकार है वो उनको फ्राहम की जाए, और ये तमाम हम पाकिस्तान ई रोज़गार प्रोग्राम के तहत इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे, और ये एक महीने में ही चंद हफ्तों में इंशाल्लाह हम ये लॉन्च करेंगे, जिसमें इन तमाम फ्रीलांसर्स को लाया जाएगा, बताया जाएगा, और जितनी भी इनको सहूलत फ्राहम की जाए गवर्नमेंट करेगी, इंक्लूडिंग जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अब ये देखिए, अगर 1 मिलियन लोग 10 लाख फ्रीलांसर्स दिन में $30 बनाएं, तो ये साल के $10 अरब बनते हैं, $10 बिलियन, तो कितना बड़ा पोटेंशियल है। और इसके लिए हमने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करना, हमने कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, हमें कोई लोन नहीं लेना किसी जगह से। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ऑफकोर्स ट्रेड सरप्लस बिल्ट इन है, 70-80% ट्रेड सरप्लस बिल्ट है, इसका मतलब है कि उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके 70-80% इसका ट्रेड सरप्लस मौजूद है इस इंडस्ट्री में। और यही वो इंडस्ट्री है जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी की जो रैपिड ग्रोथ है वो लिंक्ड है। और मुझे लगता है इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास मौजूद है, जो कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो कि पहले ही ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से मुतारिफ़ भी हैं, ट्रेंड भी हैं, 15 लाख पिछले चंद सालों में लोग ट्रेन हुए। अब अगर उनको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें कि वो आसानी से जो कोई $5 दिन के कमाता है वो $30 कमा सके, तो लिटरली इसका पोटेंशियल $10 बिलियन अ ईयर है पाकिस्तान के लिए, जो कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और तीसरा जो सर हमारे लिए, और दूसरा इसके अंदर जो फ्रीलांसर्स में दूसरा जो प्रॉब्लम है ऑफकोर्स वो ये है कि उनको वहाँ से पैसे लेने में दुश्वारी। अब जिसने $5 की $10 की पेमेंट लेनी है वो वायर ट्रांसफ़र तो करवा नहीं सकता पैसे, तो वो मजबूर। और पाकिस्तान में ना पेपैल है, ना स्ट्राइप है, ना वाइज है, कोई आसान तरीका नहीं इन फ्रीलांसर्स के लिए ये छोटी छोटी पेमेंट्स वेस्टर्न क्लाइंट से या बाहर के किसी क्लाइंट से लेने के लिए। तो वो मजबूरन बहुत सारे पैसे बाहर रखते रहते हैं, फिर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मंगवाते हैं या वहीं पर रह जाते हैं, उनको बहुत दुश्वारी है। तो दो चीज़ें जो उनको होल्ड बैक कर रही हैं इस वक्त फ्रीलांसर्स को, एक तो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, क्योंकि उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं कि वो दफातर बना सकें, चला सकें, और दूसरा ये कि वहाँ से पैसे लेने के लिए उनके पास कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही मौजूद नहीं जिसके थ्रू आसानी से पैसे ले सकें। तो उसके लिए हमने पेपैल से, स्ट्राइप से, वाइज से, जितनी भी पेमेंट की मैकेनिज़म्स हैं इंटरनेशनल पेमेंट के, उन सब से बात की है, उन सबको अपना केस प्रेजेंट किया। देखिए, $10 बिलियन बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है, तो इसको हमने डॉक्यूमेंट किया, ये पूरा केस बनाया, और अब हम उनके पास ये केस लेके चले गए हैं, और इंशाल्लाह ताला रोज़ हम इस पर एक कदम आगे उठा रहे हैं। उनके ऑफकोर्स अपनी अप्रीहेंशनज़ हैं, पाकिस्तान में फैटफ का मामला था, अपनी रेगुलेशंस हैं, अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, तो किसी को भी ये इंटीग्रेशन करना, ये अलाउ करना एक बड़ा कदम है, लेकिन इस पर रोज़ हम एक नया कदम उठा लेते हैं, पॉजिटिव कदम उठाते हैं। मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला अगले 4-6 हफ्तों में पेपैल, स्ट्राइप के ऊपर भी हमें अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, और हम किसी न किसी फार्मूले के तहत उनको पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अवेलेबल कर देंगे, ताकि पैसे लेने में भी आसानी हो, और फिर यहाँ पे ई रोज़गार सेंटर्स भी बने हों 5 लाख लोगों के लिए, जहाँ पे नौजवान जाके काम कर सके। तो ये सर दूसरी डिमेंशन। तीसरी डिमेंशन हमारा टेलीकॉम सेक्टर ऑफ कोर्स, ये उससे पहले स्टार्टअप्स की बात कर लेते हैं। सो पाकिस्तान में एक IT आउटसोर्सिंग कंपनीज़ हैं, नौजवान हैं, फ्रीलांसर्स हैं, इसी तरह स्टार्टअप्स हैं, और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे 194 मिलियन 19 करोड़ के लगभग मोबाइल कनेक्शंस हैं, अब सबके पास हाथ में फ़ोन है। तो सोचिए अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी एप्लीकेशन बने जिसके तहत आप बैंकिंग निज़ाम इस्तेमाल कर सकें, आप एजुकेशन ले सकें, आप एंटरटेनमेंट आपको मिल सके, कोई नेटफ्लिक्स के इक्विवेलेंट ऐप बन जाए, कोई पाकिस्तान में कोई पेपैल की तरह का निज़ाम बैंकिंग का आपको मोबाइल ऐप पे मुयस्सर हो जाए, तो कितनी बड़ी स्टार्टअप्स बन सकती हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे 85% एडल्ट पॉपुलेशन अनबैंक्ड है, तकरीबन 10 करोड़ लोग बैंक में पैसे नहीं रखते, क्योंकि दुश्वारी है जाके बैंक अकाउंट खोलना करना। लेकिन अगर कोई फिनटेक, इसको कहते हैं, आपको आसानी से बैंकिंग निज़ाम में ले आए, तो सोचिए उस फिनटेक का कितनी वैल्यूएशन होगी। ऑफ कोर्स ये वैल्यूएशन दुनिया को विजिबल है कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 7वां बड़ा सेलफोन कनेक्शंस की मार्केट है, तो यहाँ पे कोई भी अगर बड़ी स्टार्टअप की जाए तो उसकी बहुत बहुत वैल्यूएबल स्टार्टअप होगी, और ये फिनटेक में भी होगी, फाइनेंशियल स्पेस में भी होगी, एजुकेशन की स्पेस में भी होगी, ये एग्रीकल्चर की स्पेस में भी होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो बड़ी स्टार्टअप दुनिया भर में ई कॉमर्स में होगी, रिटेल की डिजिटाइजेशन और पेमेंट्स की डिजिटाइजेशन में होगी, हर स्टार्टअप $1 बिलियन की स्टार्टअप होगी। और हमारे हमसाए मुल्क में कई कंपनियां $1 बिलियन की नहीं, $10 बिलियन से ज़्यादा की, और दुनिया भर में जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है उनकी बहुत बड़ी तादाद है,
आप दुनिया के पांचवें बड़े मुल्क में हैं, सातवीं बड़ी मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट है, तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स ये किया जा सकता है। पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़र्स की तादाद यूके की कुल आबादी से ज़्यादा है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूज़ की तादाद कनाडा की कुल आबादी से ज़्यादा है, तो छोटा मुल्क तो नहीं, ये बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पर बहुत बड़ी पोटेंशियल है फॉर डूइंग स्टार्टअप्स। और ये स्टार्टअप्स हमने पंजाब में सफ़र शुरू किया 2012 में, मैंने प्लान 9 के नाम से हमने पंजाब आईटी बोर्ड में एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेटअप किया। उसी मॉडल पर अब पाकिस्तान में 85 इंक्यूबेटर्स हैं जो अभी तक तकरीबन 4000 स्टार्टअप्स को ट्रेन कर चुके हैं, जहाँ से वो ग्रेजुएट हो चुकी हैं। और ये जो स्टार्टअप्स हैं 2021 और 2022 में तकरीबन 750 मिलियन डॉलर दुनिया भर से रेज भी कर चुकी हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। अब क्योंकि दुनिया भर में वेंचर कैपिटल ड्राई अप हो गया और वो इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो गई बिकॉज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, तो बहुत ज़रूरी है कि इन स्टार्टअप्स के फ़रोग के लिए गवर्नमेंट स्टेप इन करे। जैसे हमने किसी टाइम पर ये इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किए थे जहाँ से स्टार्टअप्स को ट्रेन किया गया, ग्रेजुएट किया गया, और फिर वो इस काबिल हुई कि 2021 और 22 में तकरीबन 750-800 मिलियन डॉलर की उनमें इन्वेस्टमेंट्स आई। तो आई थिंक गवर्नमेंट को अब इस वक्त इंटरवीन करके मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले चंद हफ्ते में आप सुनेंगे हम पाकिस्तान स्टार्टअप फंड लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत हम दुनिया भर के जितने भी बड़े वेंचर कैपिटल फंड्स हैं उनसे पार्टनरशिप करने चले हैं, उनको फैसिलिटेट करने चले हैं ताकि वो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में आके इन्वेस्टमेंट कर सके। हम उनके रिस्क को अंडरराइट करेंगे, उनके प्रॉफिट्स को रिपेट्रिएट करने में सहूलत पैदा करेंगे और एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसके तहत पाकिस्तान स्टार्टअप फंड को इस्टेब्लिश किया जाए और बाहर के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए आसानी पैदा की जाए कि वो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में आके इन्वेस्ट कर सकें। पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगले चंद सालों में कई बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स आएंगी, कोई वजह ही नहीं कि ना आए। अगर इंडिया में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, मलेशिया में हुआ, सिंगापुर में हुआ है, हर मुल्क में कई बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स हैं और इसी तरह की हैं, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान में भी होंगी और मुझे लगता है हम शायद बहुत 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 करीब हैं अब बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स के, और इतनी इन्वेस्टमेंट पहले भी स्टार्टअप्स में आई। तो अब इंशाल्लाह हम एक जो काम स्टार्टअप्स के लिए करने चले हैं वो ये कि हम पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के नाम से एक फंड लॉन्च करने चले हैं इन कलेबोरेशन विद टॉप वेंचर कैपिटल फर्म्स ग्लोबली। और पिछले 8 हफ्ते में बहुत से लोगों से बात हुई उनको, और उनसे सीख कर, उनसे समझ के कि उनको क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में दुश्वारी थी, वो तमाम दूर करके अब ये स्ट्रक्चर सेटअप किया गया और इंशाल्लाह इसको फॉर्मली भी बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा। अब हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में पाकिस्तान बहुत पोटेंशियल, ऑफ कोर्स पाकिस्तान दुनिया की सातवीं बड़ी सेलुलर मार्केट है, 194 मिलियन सिम्स पाकिस्तान में जो है वो ज़ेरे इस्तेमाल हैं, ये तकरीबन 19 करोड़ का नंबर बनता है और ये बहुत बड़ा नंबर ऑफ कोर्स फॉर एनीवन। लेकिन इस मार्केट के अंदर इवन दो हमने 4G टेलीकॉम मौजूद है लेकिन उसकी पेनिट्रेशन तकरीबन 50% है, आधे मुल्क में नहीं है। और तमाम टेलकोज मिलकर जो हमने उनको स्पेक्ट्रम दी हुई है इस वक्त वो 274 MHz है, 274 MHz की स्पेक्ट्रम सारे टेलीकॉम शेयर करते हैं, ठीक है, उनको ये स्पेक्ट्रम दी गई। ऑस्ट्रेलिया में एक टेलीकॉम ऑपरेटर के पास 350 MHz की स्पेक्ट्रम मौजूद है। तो क्योंकि उनके पास सोचिए बैंडविड्थ मुयस्सर ही नहीं, स्पेक्ट्रम मुयस्सर ही नहीं, इसलिए हम सबको बहुत कम स्पीड मिलती है अपने फ़ोन के ऊपर। अगर आप कुछ चंद बड़े शहरों से बाहर निकल जाएं तो 4G अवेलेबल ही नहीं है और फिर टेलीकॉम सर्विसेज मुयस्सर ही नहीं है। उसका हल ये है कि पहले ये स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया जाए या इनको दिया जाए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, और इस वक्त हमारे पास 300 MHz की स्पेक्ट्रम मुयस्सर है, 273 इस वक्त टेलीकॉम ऑपरेटर इस्तेमाल करें। सोचिए उनकी स्पेक्ट्रम या बैंडविड्थ तकरीबन डबल हो जाएगी अगर हम स्पेक्ट्रम को उनको अवेलेबल कर दें। और अब दुनिया में नई टेक्नोलॉजी 5G की आ गई जिसके तहत बैंडविड्थ भी बेहतर मुयस्सर होगी, और ये कि जब हम ये स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करने चलें तो उसमें 5G को भी उसमें शामिल करें और पाकिस्तान दुनिया के मुल्कों में शामिल हो जहाँ पे 5G की सहूलत मुयस्सर है। इसके लिए प्रोसेस हुकूमत ने ट्रिगर कर दिया, ये ऑफ कोर्स एक बड़ा कदम है क्योंकि आज तक सिर्फ 273 MHz स्पेक्ट्रम टेलकोस को दी गई और 300 MHz हम और देना चाहते हैं। तो इसके लिए ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी बन गई, कैबिनेट ने अप्रूव कर दी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने उसको इनक्रेज किया है, उसको सपोर्ट किया है, और अब हम इस वक्त पहुंच गए हैं जहां पे हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को लेके आएंगे ताकि वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और फिर हम तैयारी करें ऑक्शन की ताकि हम पाकिस्तान में जो स्पेक्ट्रम है उसको ऑक्शन कर सकें। इसके साथ साथ ये भी बात दुरुस्त है और आपको शायद सुनने में मिलती हो कि पाकिस्तान में इसलिए टेलीकॉम सेक्टर में उस तरह से ग्रोथ नहीं आई और कनेक्टिविटी भी लिमिटेड है और बैंडविड्थ भी कम है,
क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है टेलकोस के लिए, और उनको जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र मिलता है वो बहुत कम है, तकरीबन 0.8 डॉलर्स है, तकरीबन 240-250 रुपये पर मंथ है एवरेज यूज़र का रेवेन्यू फॉर अ टेलीकॉम ऑपरेटर। तो उसके लिए हमें टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, ताकि